डार्लिंग छोड़ दो मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं। बाहर वालों को लगे सीधा घर में रख लिया, उनकी सेवा करके मैं मरी जा रही, पहले तुम उन्हें बाहर निकालो। अरे वैशाली वैशाली, रॉबर्ट ने एक बेहतरीन प्लान बनाया है, अगर वो प्लान सक्सेस हो गया तो बंगला, रॉयल लाइफ, क्या क्या होगा है। तो आप कॉपरेट करो ना यार, कॉफी दे दो ना यार। ठीक है। एक मिनट सुनो, कॉफी दो ना यार। ए राव साहब, बड़ा टेंशन में घूम रहे हो, लगता है बाथरूम प्रॉब्लम है। तेरी तो कहीं का, उस चाचा को मैंने इसकी माँ को लाने के लिए कहा है, कहीं वो मेरी माँ को ना पकड़ लाए। थोड़े दिन मेरी बीवी बनकर रहोगे, चप्पल टूटेगी, अरे दांत तोड़ दूंगा। मुझे मारने से पहले अपनी बीवी को मारने के लिए कह रहा है? मैं उससे नहीं, तुमसे कहा है। ये लोगों के सामने मेरी बीवी को रखने के लिए कह रहा है। चुप ना यार, अब तू टेंशन काहे को लेता है, वो अपने लिए सिर्फ एक्टिंग करने को बोल रहा है ना। हाँ। नो, मुझे पर पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो पुरुष पसंद है, बहुत है। तू चिल्ला रहा है? ओ मेरी डार्लिंग, सती सावित्री, सती विनाशिनी, सती अंजलि देवी दिख रही है, चाहे तो देख लो। वो देख रहा है, लेकिन मुझे सती मल्लिका, सती मलाइका, सती राखी सावंत दिखाई दे रही है। कौन है ये झील कन्या? झील नहीं, जल 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 कन्या, ब्यूटीफुल। बाप रे, बहुत बाली उम्र है, क्या यही मेरी वाइफ कैरेक्टर है? नहीं, ये है बालामणि, तुम्हारी वाइफ कैरेक्टर के लिए सिस्टर की तरह मेकअप। कांतामणि दाया पर रखो। राव साहब, आपका नाटक बहुत अच्छा था, हमारे पैसे हमें दीजिए। नाटक क्या और पैसे क्या, प्रेमिका के चले जाने के गम में मैं मर रहा हूँ और आप पैसे मांग रहे हैं। ए, जब तक इसके सर पे वीक है ये हमारी बातें नहीं सुनेगा, बुखार हो इसका वीक। अरे आपकी किस्मत। अरे अरे, हाँ बोलो। ये जनता क्या, ये नाटक क्या बेवकूफी है? अरे क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अपना मुंह बंद करो, बाहर चला गया तो हाहाकार हो गया। अरे रामा राव का स्टूडियो देखो, कितना नीट एंड क्लीन रहता है, देखो। अरे उससे सीखो तुम लोग। वो सिनेमा स्टूडियो है और ये फोटो स्टूडियो है, एक गिरगिट है और दूसरा अनाकोंडा। हाँ बहुत हो गया, अब इनको यहाँ से हटाओ। ये सब शादी के बाद, जरूरत हो तो पहले भी कर सकते हैं। नो वे, जानू अपनी शादी कब होगी? जानू जितना तुम्हें पता उतने मुझे पता है, हमारी शादी के लिए पहले राम को ओके करना होगा। हमारी शादी हमारी मर्जी, बीच में राम का क्या लिंक है? तुम मुझ पर विश्वास करती हो लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करते, इसीलिए मेरी जिंदगी की डोर राम के हाथ में दे दी है, उसने हाँ कह दी तो शादी पक्की। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज राम का बर्थडे है, वो अच्छे मूड में रहेगा, उसे ग्रैंड पार्टी देकर अपनी शादी की बात करूंगा। हेलो हेलो राम, क्या रे चिल्ला क्यों रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है ना, धीरे बात कर। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हें ग्रैंड पार्टी देना चाहता हूँ। सॉरी यार।